इन्होंने क्या कैसे आ रही है? पता नहीं आंटी जी। क्या आंटी जी? मम्मा मां भी होश हो गया को जाने का है। लल्ला लल्ला काहे भी हो सहे भैया? अरे उठो का हो गया लड़का का? मो लल्ला लल्ला रे ए लल्ला बड़ी मम्मी मत रोइयो, हो गया ठीक हो जाएगा। लल्ला उठो, लल्ला जहाँ से पानी लेके आ जल्दी से, देखते छींटा मार के शायद अभी रात है, जल्दी लेके आ। लल्ला उठो, लल्ला उठो, लल्ला लल्ला उठो, लल्ला उठो, लल्ला 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 लल्ला। कैसा भाभी टीका था लड़का का? पता नहीं क्या हुआ है भाभी। भाई मम्मी से पूछे कि क्या हुआ तो बोली कि आया डायरेक्ट गिर गया है, बेहोश हो गया है। तो पानी उन्हें नहीं डाले कुछ? सब कुछ करके देख ले, पानी डाले, हाथ पैर सब मले, पर डॉक्टर को कोई फोन किया कि नहीं? अभी तो पता नहीं, कोई शायद नहीं किया है डॉक्टर, नहीं किए हैं। करें जल्दी करें, लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। इसको क्या हो गया? अचानक से आया और बेहोश हो गया, ये लोग बता रहे थे। इसके पैर में क्या है भैया? पैर में देखिए उसके, लगता है सांप ने काटा है भैया। तब तो हमें इसे हॉस्पिटल निकलना पड़ेगा, इसकी हालत में बहुत क्रिटिकल हो जाएगी कुछ देर में। पर यहाँ से हॉस्पिटल 60-70 किलोमीटर दूर है, जब तक लेके जाएंगे तब तक हालत खराब हो जाएगी। फिर क्या करें भैया इसका? हॉस्पिटल का चक्कर छोड़ी भैया, बैद जी पास में रहते, बाबू जी हमारे बता रहे थे कि पास में सिद्ध बैद जी रहते, उनको दिखवा दीजिए, उनके पास अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, तो वो शायद ठीक हो जाए, उससे कुछ आराम मिले। हॉस्पिटल बहुत दूर है। लेकिन मुझे वहाँ के रास्ता तो नहीं पता है। लेकिन मुझे पता है सर जी, पता है सर जी, मुझे पता है सर जी। ठीक है दीदी, हम जा रहे हैं बाबा जी के यहाँ हॉस्पिटल लेने। तब तक मैं आपको एम्बुलेंस में कॉल कर दीजिए, वो भी आ जाए। ठीक है ठीक है। ठीक दीदी हम चलते हैं। ठीक है चलो। ये वाला बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कौन हो बेटा? मैं बंसी बब्बा, सरपंच का लड़का, ये नए पोस्टमैन सर जी। कुछ काम है का बेटा? बब्बा राम लखन के लड़के को सांप काट लिया। राम राम। बब्बा अगर कुछ दवाई ववाई हो तो दे दीजिए। जी बब्बा जी। अच्छा बेटा, हमारे पास जड़ी बूटी अब नहीं आए, नहीं पाएगा। जब हमारी जवानी रही तो सब का ठीक कह दे रहे थे, अब उम्र हमार अधिक हो गई। धन्यवाद। रुका बेटा जी, वो जंगल जा कहो तो जड़ी बूटी बताए। कौन सी बूटी बाबा जी हमें बताइए, हम लेके आएंगे। कौन सा जंगल है आप हमें बताइए। बेटा सर्फ डंक एक बूटी है जो उनकी हम बच्चा का ठीक कर दे, और जड़ी बूटी को ना काम करी। ये बूटी धवला गिर पार्वत मामली, हरी हरी पत्ती होती है चौक चौक। नमसी तुम्हें धवला गिरी जंगल की रास्ता? हाँ सर जी पता है। पक्का? ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, चलते हैं। धन्यवाद बाबा। जाओ बेटा काम सफल हो। चलो बंसी थोड़ा तेज चलो यार, तुम अभी तुम्हारे घर में किसी काटा था तुम्हें समझ नहीं आता। रास्ता तो पता लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं चलोगे? चुड़ैल कौन बोले यार, चुड़ैल रहती वहाँ पे। एक बार बताए थे। अरे तुम्हारे बब्बा, चलो यार किसी लड़के की जान जा रही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। चल मैं रास्ता बता दूंगा लेकिन। अरे तो उनके घर तो अभी चल लो पहले। चले चलूंगा।
बाबा जी के पास कोई औषधि नहीं है। उन्होंने बताया कि अब उनके हाथ पैर काम करते नहीं है। वैसे एम्बुलेंस का क्या हुआ, फोन लगाया? हाँ फोन तो क्यों हूँ, लेकिन कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो फिर वैसे बाबा जी ने मुझे एक जंगल का नाम बताया और औषधि बताई है ना, तो अगर टाइम लगे तो फिर मैं जंगल चला जाऊँ औषधि लेके। कौन सा जंगल, क्या नाम बताया उन्होंने? जंगल का नाम धौलागिरी। क्या धौलागिरी? और जड़ी बूटी भी उन्होंने बताई। ना बाबा, एक आदमी की जान बचाने के लिए पूरे गांव के लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकते हम वहाँ भेज। कैसे मुसीबत भैया? मुझे वहाँ जाने में कोई तकलीफ नहीं है, आप मत जाइए। किसी की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात चुड़ैल की, तो ये सब तो होती नहीं है, आप मानते ही आपका अंधविश्वास है। मैं तो यही कहूँगा सर जी कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है। बाकी जैसी आपकी इच्छा। रही बात इलाज की, तो अभी 2 घंटे के अंदर एम्बुलेंस आ रही है, 2 घंटे में उसका इलाज हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं, 2 घंटे लगेंगे एम्बुलेंस को आने में, जब तक मैं उसकी हालत कुछ और हो जाएगी, उससे पहले मैं जाके वहाँ से औषधि लेके आता हूँ, शायद उसको लेने से उस पर कुछ और इफेक्ट पड़े, ठीक हो जाए, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है तो आप एम्बुलेंस उसको लेके चले जाइएगा। हाँ ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, आप चलने की जरूरत नहीं है, मैं और बंसी जा रहे हैं। नहीं नहीं सर जी, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात कर, पागल हो क्या यार, तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ, बार बार बात की जिंदा किया करो। ठीक है चल, रास्ता बता दूंगा लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। हाँ ठीक है, तुम चलो पहले वहां तक। अरे यार बंसी, समझ नहीं रहे हो तुम, मुझे देखो जंगल नहीं पता, ठीक है, और जंगल में चला भी गया तो मुझे औषधि नहीं पता जो बप्पा जी ने बताई है। अरे सर जी, बप्पा जी ने बताई है ना, हरियर हरियर लमकाई लमकाई पत्ती, आप उसी टोल लेना। अरे क्या टोल लूंगा यार बंसी, तुम मतलब तुम्हें समस्या क्या, क्या प्रॉब्लम क्या वहाँ चलने में? पप्पा बताए वहाँ चुड़ैल रहती है सर जी, हमने क्या, तुमने कभी देखा है चुड़ैल? नहीं सर। तो फिर क्या रहती वहाँ पे? पप्पा बताए सर जी, पप्पा की बात झूठी नहीं होती, वहाँ पे कोई चुड़ैल नहीं रहती। पापा जी हम नहीं जाएंगे वहाँ, चुड़ैल रहती है। अरे गजब क्यों यार, पढ़े लिखे नहीं हो क्या तुम? नहीं, सरपंच का लड़का यहाँ पे ऐसी बात कर रहा है तो गांव के लड़कों का क्या ही हाल होगा? नहीं, हम आपको रास्ता बता देंगे, आप चले जाइएगा, हमको आधे रास्ते में बता दीजिएगा। मैं समझाया था ना तुम्हें, अगर तुम्हारे घर में मान लो किसी काट लिया तो फिर तुम क्या करते? वहाँ तो नहीं जाते। गजब है यार, छोड़ो फिर क्या ही मतलब। सजी 10 मिनट तक हम रुका, अपनाया जाओ तो ठीक है, नहीं तो हम चले जा सजी। अरे गजब कर रहे हो यार बंसी। सजी हम वहाँ तक नहीं जा सकते। अरे मुझे रास्ता कैसे पता होगी? अपना सीधे चले जाओ, वो जंगल अपना मिल जाए, हम न जा सजी अब। सजी हम वहाँ तक नहीं जा सके। समय भी नहीं है, कौन तुमसे बहस करे यार।
हरी हरी पत्ती होती है चौक चौक। आप इसको लेके जाइए और औषधि से पिला दिए हैं लेकिन एम्बुलेंस आ रही है आगे तक, कुछ दूर तक आप लेते जाइए। ठीक है ठीक। हाँ चलिए ठीक दीदी, वैसे आगे कुछ दूर तक एम्बुलेंस आ गई भी बता रहे थे और लेके गए तो हो गया, ठीक ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आया मुझे, वहाँ जंगल में लोग जाने से डरते क्यों? वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ बहुत बहुत ताकतवर चुड़ैल रहती है सर जी, बहुत भयंकर चुड़ैल, बहुत ताकतवर है, बहुत डरते हैं वहाँ जाने। हाँ वहाँ सब बहुत डरते हैं। आप ये बताइए कि आप में से किसी ने आज तक उस चुड़ैल को देखा है? तो आप में से किसी ने भी वहाँ पे चुड़ैल नहीं देखा है ना? तो आप ये बताइए कि वहाँ पे जंगल में जब कोई जाता नहीं है, चुड़ैल भी नहीं देखा, तो आप भी नींबू और वो जो कुछ आटे का ऐसा बना के नींबू उसके ऊपर लौंग वगैरह लगा के वहाँ पे कौन रखा? रखा है क्या वहाँ? नहीं मैंने नहीं रखा, तूने तो नहीं रखा ही? नहीं आपने रखा है? नहीं मैंने तो नहीं रखा, आपने रखा है क्या? आपने रखा है क्या? हाँ भैया हमने ही रखा है, हमारी मम्मी जी बोली कि उतार के रखा, हमारा लड़का 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था तो हम रख दिए हैं उतार के। बताइए दीदी, जब ये आपने ही कहा कि उस बालक को सांप ने काटा है तो हमें औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए और औषधि के इस्तेमाल के बावजूद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि उसका ठीक तरीके से इलाज हो सके, और अब आपने ही दीदी ऐसा कार्य किया जिससे पूरे समाज पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या बोलते उसको, टोटका? टोटका नींबू और लौंग को साथ में मिला देने से कोई टोटका नहीं होगा जिससे आपका बालक खाना खाने लगे, उसका इलाज करवाइए, कुछ समस्या हो सकती है। और आप तो खुद ही पढ़ी लिखी हैं, आपको सारी चीजें मालूम है क्या कैसे करना है। भैया आपसे ऐसा नहीं करेंगे। और आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप सब लोग अंधविश्वास से दूर हटें और लोगों को जागरूक करें इस चीज से कि ये नींबू और लौंग हड्डी से कुछ नहीं होने वाला, इलाज करवाएं, चिकित्सा का इस्तेमाल करें। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप लोग अंधविश्वास से दूर रहें और आपसे जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको भी आप अंधविश्वास से दूर रखें, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान दें। तो दोस्तों मैं हूं निशांत पांडे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जिस नींबू को हम शरबत में डाल के पीते हैं और जिस लौंग को हम पान सुपारी में डाल के खाते हैं उसको जोड़ देने से कोई टोटका या कुछ अंधविश्वास जैसा बनाने से अच्छा है कि हम लोगों को उसके फायदे बताएं और डॉक्टर का सही मतलब और चिकित्सा का सही मतलब बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।